जवान के प्रीव्यू की कुछ ऐसी हिडन डिटेल जो कि आपको शायद पता नहीं होगी। तो प्रीव्यू के एक सीन में हमको दिखाया गया था कि सारे के सारे लोग मेट्रो से निकलकर भाग रहे होते हैं और सारे के सारे लोगों के चेहरों पर बही पट्टी वाला मास्क होता है जो कि एसआरके ने अपनी मूवी के अंदर पहन रखा है। तो आखिर ऐसा क्यों? और वहीं अगले सीन में एसआरके ने अपरिचित जैसा मास्क आखिर क्यों पहन रखा है? क्या इस मूवी का अपरिचित के साथ कोई कनेक्शन है? सो वेल, एक ही नहीं, बहुत सी ऐसी हिडन डिटेल्स हैं इसके अंदर। जैसे कि इस सीन में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, तो यार जवान का प्रीव्यू आ गया है और ये काफी रिफ्रेशिंग था, लेकिन ये इतना फास्ट था कि इससे मूवी की स्टोरी का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी इसके कुछ हिडन डिटेल से हम इस मूवी की स्टोरी का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो क्या है इस मूवी की स्टोरी और इसमें क्या एसआरके का डबल रोल है, मतलब मूवी में वही हीरो और वही विलन होंगे? ऑलराइट, तो हिडन डिटेल नंबर वन, तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग एक पुराने विलेज से होती है जिसमें हमको सबसे पहले एसआरके का एक हैंड देखने को मिलता है। और अगर तुम इस हैंड को ध्यान से देखोगे तो एसआरके के हैंड पर तुमको कुछ स्टिक्स दिखाई देंगी। तो अगर तुमने कुंग फू हसल देखा होगा तो तुमको पता होगा कि वो लोग ऐसी स्टिक्स का यूज तब करते हैं जब हड्डियां या तो टूट जाती है या फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एसआरके किसी मिशन के दौरान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, तब एसआरके का इलाज इन चाइनीज विलेज वालों ने किया हो और बहुत ही ज्यादा इंजरी के चलते उसकी पूरी बॉडी पर पट्टी लगा दी हो, और उसके बाद तभी इन गुंडों को एसआरके के बारे में पता चल गया होगा और वो यहाँ पर आकर इन गांव वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी एसआरके के इस मम्मी वाले कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो इन गुंडों से फाइट करता है। और ये विलेज भी चाइना का लगता है और ये आर्मी भी वही चाइनीज है, क्योंकि ये बिल्कुल चाइनीज आर्मी जैसी लगती है। तो इसके बाद ऐसा हो सकता है कि इन आर्मी वालों ने इस मम्मी वाले जवान को मार दिया होगा और तभी वो जवान अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को एक प्रॉमिस करता है, और उसके बाद शायद ये आर्मी वाले उसकी वाइफ को भी एक जेल के अंदर डाल देते हैं। तभी उसी जेल के अंदर जवान का जन्म होता है जिसके चारों ओर ये महिला कैदी होती है, और ये जेल एक पुराने टाइम का लगता है। और उसके बाद इस वाले सीन में ये छोटा जवान अपनी माँ से एक प्रॉमिस करता है और तभी साइड में रखी मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है, मतलब यहाँ पर इसकी माँ की डेथ हो गई है। और मरने से पहले उसकी माँ एक प्रॉमिस करती है जो कि उसके फादर ने पूरा करने के लिए कहा था उसको। सेम यही सीन हमको केजीएफ में भी देखने को मिला था, रॉकी और उसकी माँ के बीच का प्रॉमिस। अब छोटा जवान बड़ा होकर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और वो अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए निकल जाता है। अब प्रॉमिस कुछ भी हो सकता है, अपने बाप की मौत का बदला लेना हो या फिर इस सोसाइटी और सिस्टम में फैली गंदगी को साफ करने का हो सकता है, जैसे कि अपरिचित मूवी में इस मास्क वाले भैया ने किया था। तो इस मास्क के द्वारा अपरिचित को एक ट्रिब्यूट दिया है इस मूवी के अंदर। तो क्या सच में ये छोटा जवान ही मूवी के अंदर विलन है? तो वो कहानी भी इसके अगले सीन में तुमको क्लियर हो जाएगी। तो ट्रेलर के एक सीन में कुछ स्पेशल फोर्स बलिदानी सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दे रही होती है, तो ऐसा हो सकता है कि इस छोटे जवान के जो फादर है वो स्पेशल फोर्स में हो और सिस्टम में फैली गंदगी को मिटाने से पहले ही उनको किसी ने मार दिया, और उसके बाद इस छोटे जवान को सिस्टम में फैली गंदगी के बारे में पता चल जाता है। एंड इसके बाद वो खुद की एक महिला टीम बनाकर इस गंदगी को अपरिचित तरीके से भेष बदल बदल कर साफ करता है। इस पूरे प्रीव्यू में हमको एक तगड़ी महिला आर्मी देखने को भी मिलती है और इस छोटे जवान की टीम में है, क्योंकि जो छोटा जवान है वो महिला जेल में पैदा हुआ था, तो वहाँ की महिलाएं इसका सपोर्ट करती है और इसकी टीम में आती है। और इसके नेक्स्ट सीन में शायद अपने ही सिस्टम से बदला लेने के लिए ये छोटा जवान एक लड़की के ऊपर टाइम बॉम्ब लगाकर मेट्रो को हाईजैक कर लेता है, और ये मेट्रो स्टेशन पर भी एक नारी शक्ति का जो बोर्ड हमको देखने को मिलता है वो इन फीमेल आर्मी की तरफ इशारा करता है, जो कि अपने मिशन के लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। लेकिन तभी उसी मेट्रो स्टेशन पर एनएसजी कमांडो आ जाते हैं जिसमें नैनतारा भी एक बहुत ही बड़ी ऑफिसर होती है। तभी जवान की टीम की लड़कियां सभी लोगों को जवान का मास्क लगाकर भगाती है और भीड़ का फायदा उठाते हुए छोटा जवान भी उसी भीड़ के अंदर से निकल जाता है, मतलब वो उसकी एक चाल थी यहां से भागने की। लेकिन यहां एसआरके का ये गंजा वाला कैरेक्टर हमको धोखा देने के लिए क्रिएट किया था। हाँ, मतलब ये कैरेक्टर गंजा और बूढ़ा नहीं है, ये वही छोटा जवान है जिसने ये भेष बदला है एनएसजी और बाकी दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए। और इसके साइड में एक टैटू भी बना है जिसमें कुछ माँ जैसा लिखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि इस ट्रेलर के अंदर हमको जितने भी एसआरके के लुक देखने को मिलते हैं ये लुक छोटा जवान ही खुद क्रिएट करता है ताकि वो अलग अलग तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके और उसका असली चेहरा इस दुनिया के सामने न आए। सेम टू सेम दुनिया को ऐसे ही चकमा देने के लिए ऋतिक रोशन ने धूम 2 में किया था। और इसके अगले सीन में वही छोटा जवान दूरबीन से किसी को देख रहा होता है जिसमें कुछ ट्रेलर्स और गाड़ियां आ रही होती है, जिसके बाद जवान और उसकी महिला आर्मी इन ट्रक्स पर जंप लगाती है और एनएसजी उनको रोकने की कोशिश करती है और ये फाइट होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इन ट्रक्स के अंदर कोई चोरी का माल हो, और यही सेम ट्रक के ऊपर फाइट वाला सीन हमने पठान के अंदर भी देखा था।
क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? फिर अगले सीन में ये एनएसजी कमांडो इस पुराने मकान पर अटैक करते हैं, जो कि वही जेल होती है जहां पर इस छोटे जवान का जन्म हुआ था। और यहां पर एनएसजी ने अटैक इसलिए किया है क्योंकि यही छोटे जवान का बेस ऑफ ऑपरेशन होता है। वही इसके अगले सीन में हमको दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलती है, जो कि पंजाब के किसी जगह पर कुश्ती लड़ रही होती है, क्योंकि उनके पीछे जो पंजाब के बोर्ड लगे होते हैं, जो शायद तुमने नोटिस किए होंगे। और ये भी हो सकता है कि दीपिका पादुकोण मम्मी वाले जवान की वाइफ हो और इस छोटे जवान की माँ। और इसके अगले सीन में हमको विजय सेतुपति देखने को मिलते हैं, और इनके बैकग्राउंड को देखकर तो यही लगता है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है, और हो सकता है कि ये ऑफिसर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हो। और हाँ, इस वाले फाइट सीन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको साफ पता चल जाएगा कि ये हैमर उस आदमी को लगा तक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो ये कैरेक्टर भी छोटे जवान का है, जिसने ओल्ड मैन का गेटअप लिया है, जिसकी लीक इमेजेस हमने ऑलरेडी देख ली है, और इन इमेजेस को जानबूझकर लीक करवाया गया था ताकि मूवी की हाइप बन सके। तो ओवरऑल यही है कि ये मास विद क्लास और एक एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है, और एटली कुमार के डायरेक्शन की तो तारीफ बनती है, प्लस ये कमाई के मामले में तो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तुमको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।